हजारीबाग में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा की फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा बड़कागांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। छात्रा बादम गांव की रहने वाली थी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जवाहर प्रसाद ने कहा कि टीम गठित कर मामले की जांच की जाएगी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पूरे देश को झकझोर देने वाला श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की तरह ही एक मामला झारखंड के साहिबगंज में सामने आया है। पहाड़िया आदिम जनजाति की युवती की हत्या के बाद उसके शरीर को काटकर 12 टुकड़ों में बांट डाला। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दिलदार अंसारी ने हाल ही में इस भोली भाली आदिवासी युवती को फंसाकर उससे शादी की थी। इस घटना के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेटियों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करेगी। साहिबगंज में आदिवासी युवती को मुस्लिम युवक के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर मारने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी द्वारा बांग्लादेश घुसपैठ के आरोप पर राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ऐसे ही कुछ कहते रहती है। 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार थी, इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लिए बीजेपी ने क्या किया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेला जाने वाला इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से कोडरमा में शुरू हो गया है। कोडरमा की टीम के अलावा जमशेदपुर पाकुड़ और जामताड़ा की टीम अपने अपने मैच खेलेंगी। आज से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 23 दिसंबर तक चलेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलिस लाइन मैदान में खेला जा रहा है, जहाँ पहली बार यह मैच JSCA के पिच क्यूरेटर के निर्देश में बने टर्फ विकेट पर खेला जा रहा है। पहला मैच जमशेदपुर और कोडरमा के बीच खेला जाएगा। कल जामताड़ा और पाकुड़ के बीच मैच होगा। कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिनेश सिंह ने बताया कि JSCA के निर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और मैच से जुड़े सारे ऑफिशियल JSCA के हैं। हजारीबाग के कटकमसांडी में किडनी फेलियर लैब्राडोर डॉग का सफल डायलिसिस हुआ। पदस्थापित डॉक्टर और किडनी विशेषज्ञ मजहरुल हसन ने लैब्राडोर डॉग का डायलिसिस किया। पहली बार झारखंड के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह सफल डायलिसिस हुआ है। डॉक्टर मजहरुल हसन ने बताया कि पूरे झारखंड में डॉग का पहली बार डायलिसिस होना एक बड़ी उपलब्धि है। बागमारा में BCCL एरिया 5 के तेतुलमारी कोलियरी अंतर्गत खास सीजुआ स्थित कोलियरी के ट्रांसफार्मर घर में बीती रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। लगभग 50 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले तो धारदार हथियार के बल पर ट्रांसफार्मर घर में तैनात कर्मी को बंधक बना लिया और फिर ट्रांसफार्मर में लगे कीमती पार्ट्स को खोलकर ले भागना चाहा। हालांकि ट्रांसफार्मर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही इलाके में बिजली भी बाधित है। रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ के तृतीय राष्ट्रीय महाविदेशन में शामिल होने के लिए चौहान समाज का एक जत्था आयोजन स्थल संप्रति भवन आसनसोल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बागमारा के तेतुलमारी, कतरास, माटीगाड़ा, लोयराबाग और सीजुआ, भेलाटांग, मुराईडी सहित कई क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष सुजीत चौहान ने अपनी कई समस्याओं पर भी चर्चा की। साथ ही तेतुलमारी खास सिजुआ स्थित माँ वस्तला भवानी वार्षिक जो 14 जनवरी को होना है उसको लेकर तय रणनीति पर भी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ कोयांचल धनबाद में विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं, खासकर JSCC की तैयारी करने वाले बेरोजगारों का आक्रोश आज सड़क पर देखने को मिला है। सड़क पर उतरे युवाओं ने न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बेरोजगारी के साथ छल करना बंद नहीं किया तो यह छात्र उनके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन भी किया एवं चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा करते हुए अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को बेरोजगार युवाओं के पक्ष में स्पष्ट निर्णय लेने का समय दिया।